वेलकम टू माय चैनल द वन पेज। आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नर्सरी में। आज कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आपको एडिनियम प्लांट कैसे खरीदना है, क्या वैरायटी है, ग्राफ्टेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नॉन ग्राफ्टेड लेना चाहिए, प्राइस में क्या फ़र्क होता है दोनों का। ये हमारे पूरे केयर टेकर है एडिनियम प्लांट के। देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एडिनियम प्लांट है, आप बताएंगे कि कौन सा एडिनियम लेना चाहिए, ग्राफ्टेड लेना चाहिए या नॉर्मल लेना चाहिए। जो ग्राफ्टेड है ये छोटा ही रहेगा और इसका फूल बड़ा आएगा, और नॉर्मल है इसका जरा पेड़ बड़ा हो जाएगा और फूल थोड़ा छोटे आएंगे। और इसमें ग्राफ्टेड में अलग अलग कलर मिल जाएगा, रेड है, वाइट है और पिंक है। और 100 रुपये वाले में जो ग्राफ्टेड नहीं। अच्छा, ये सब 100 रुपीज वाला है? 100 रुपीज के। इनकी बॉल छोटी होती है या बड़ी होती है? नहीं, इसके जैसे उम्र बढ़ती रहेगी ऐसे इसकी बॉल बड़ी हो जाएगी। अच्छा। और इसको हर फरवरी या मार्च में इसकी कटिंग करके ऊपर से कटिंग करना पड़ता है, उसी से बॉल बड़ा होता है। और अभी सर्दियों के सीजन में कर सकते हैं ये सब? नहीं, ये इसकी कटिंग होती है अप्रैल के अंदर, अप्रैल या मई के आसपास। अप्रैल मई में। और अगर अपन इनकी रिपोर्ट करना चाहें, जैसे ये अभी तो ये थैली के अंदर है। हाँ जी। तो हम इसको पॉट में डाल सकते हैं अभी? अभी पॉट में डाल सकते हैं। अच्छा। और कोई भी पौधा लो एक ही रेट में पड़ेगा सारा? हाँ, एक जैसे ही बढ़ेंगे। और इसको पॉट में डाल के इसकी गठान ये बाहर रखने का, जो मेन तना ये बाहर रहेगा, अंदर नहीं दबेगा। अच्छा। इसमें पानी कम चाहिए, एकदम पानी कम चाहिए और धूप चाहिए पूरी। अच्छा, जैसे हम इसको देखते हैं। हाँ जी। आप ये निकाल देंगे प्लीज? हाँ। फ्रेंड्स, देखिए इसकी बॉल कितनी बड़ी है। अदर प्लांट्स की इतनी बड़ी बॉल नहीं है, तो हो सकता है हम इसे ही सेलेक्ट करें। और जैसे कि देख रहे हैं आप, फ्लावरिंग भी आने लगी है। तो हमें कुछ ही दिनों में पता पड़ जाएगा कि ये कौन से कलर का फ्लावर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ग्राफ्ट करा गया है, और यहाँ से इसका पुराना वाला। अच्छा, आप मुझे बताएंगी इसमें अलग फूल आएगा और इसमें अलग फूल आएगा? नहीं, इसमें ये जो ग्राफ्टेड नहीं किया हुआ है, इसमें अलग फूल आएगा, छोटा फूल आएगा। अच्छा, तो मतलब एक ही पौधे में दो फूल मिल जाएंगे? हमें हो सकता है इसको आप काट लोगा। हाँ। एक ही फूल मिलेगा, इसको काटना जरूरी है ऐसे हिसाब से। काटना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसमें क्या कि ये इसमें छोटा फूल आएगा, इसमें बड़ा फूल आएगा। और नहीं काटोगा तो आप इसमें ये अपने बड़ा फूल छोटा फूल आएगा, इसमें बड़ा आएगा। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।